नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के 65 किलोमीटर भोजीपुरा लाल कुआं रेल खंड का विद्युतीकरण कार्य का रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान और मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके पश्चात देर शाम को लाल कुआं से भोजीपुरा तक रेल खंड का गति परीक्षण भी किया गया, जिसमें 65 किलोमीटर की दूरी का सफर 48 मिनट में तय किया गया। ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ाया गया। इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने निरीक्षण के बाद कहा कि रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा नव विद्युतीकृत रेलखंड का निरीक्षण किया गया, वही जिन्होंने जन सम्मान से अपील करते हुए कहा कि स्पीड ट्रायल के दौरान रेल पथ पर न ही स्वयं जाए और न ही अपने मवेशियों को जाने दे। अब इस खंड के ओवरहेड में हाई वोल्टेज करंट प्रभावित हो रहा है। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। ये आज जो है भोजीपुरा से लेकर लाल कुआं तक जो अभी ये विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसका जो है सीआरएस साहब ने इसका पूरा निरीक्षण किया है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा, उसके बाद साहब का जो ऑथराइजेशन आता है तो ऑथराइजेशन में जो भी शर्तें दी जाती हैं उसे करने की, फिर हम उसको पूरा करते हैं। वो रामपुर वाले का टारगेट भी, हमारा टारगेट तो इसी साल मतलब मार्च तक करने का है, तो वो जब होगा वो तो उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा से होगी, फिर सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, फिर वो देंगे। फिलहाल इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब ये हो जाएगा पूरा, जब सारी कंडीशंस उनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये बात आएगी कि गाड़ी चलनी है, कौन सी चलनी है और कब चलनी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए ऊपर 25 केवी की जो है वो विद्युत धारा बह रही है, जो बहुत जो है किसी की भी जो है वो घातक है, कभी कोई आदमी उसके पास ना आए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो अभी ये इतनी स्पीड बढ़ेंगी गाड़ियों की, आज भी बढ़ेंगी, तो उससे जो भी हमारे जो लोग ट्रेसपासिंग करते हैं या जो लोग ट्रैक पर आ जाते हैं बैठने के लिए आते हैं या लेवल क्रॉसिंग पर जो क्रॉस करना चाहते हैं, पूरी सावधानी को देख लें साहब। ये स्पीड जितना वो पहले सोचते थे उससे ज़्यादा है, तो ये मेरा आप सबसे के माध्यम से यही अनुरोध है सबसे कि दूर रहें, ट्रैक से दूर रहें। और देखिए अभी जब तक ट्रेन ही नहीं अभी डिसाइडेड है तो ये स्पीड क्या होगी हम देखेंगे, हम तो करेंगे। ये जब विद्युत कर दिया है, इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया, तो गाड़ी भी चलाएंगे, तभी तो फायदा है। ठीक है, बस ये है कि पहले से ज़्यादा तेज जाएंगी गाड़ियाँ।